मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब सर कैरियर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ UPNHM के बारे में। NHM आप सभी जानते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है। तो इस नेशनल हेल्थ मिशन में आपको जॉब ऑफर कर रहा है, वो भी 4000 का पोस्ट है। तो 4000 का पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब बहुत सारे पोस्ट है और आपको यूपी में जॉब मिलेगा। और यहाँ पे टोटल जो जॉब है वो हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तभी आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, तो यूपी से आपको जॉब ऑफर कर रहा है। और टोटली जो जॉब है वो देखा जाए यहाँ पे 4000 का टोटल पोस्ट है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के टोटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूपी से आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, मतलब यूपी में आपको जॉब मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे देखिए जॉब का जो डेजिग्नेशन होगा वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे जरूर देखिए, यहाँ पे फेस ऑफ और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो यहाँ पे देखिए, जनरल के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 38 ईयर्स और SC ST के लिए 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन मेरिट वाइज, मतलब कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका परसेंटेज किया जाएगा और उस परसेंटेज का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो फीस है वो देखा जाए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरल OBC के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, ST SC फिजिकल हैंडीकैप एंड वुमेन्स सारे के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो सैलरी पैकेज जो है वो करीबन 15,000 से 20,500 तक सैलरी पैकेज मिलेगा आपको पर मंथ। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो BSc नर्सिंग आपको पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो BSc नर्सिंग आप पास आउट कर चुके हैं और यहाँ पे आप क्वालिफाइड भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। और जॉब का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट अभी तक दिया गया नहीं है, तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। और इसका जो लास्ट डेट आएगा तब इसके आपको पता चलेगा कि इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद। और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स आपको दिखाने से पहले यही कहूँगा, अभी तक अपने इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो तभी आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन और जॉब का अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन और नोटिफिकेशन दोनों एक एक करके क्लिक करना। पहले आप नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे जानकारी मिल जाएगा। और आप इस लिंक में जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, तभी भी आपको वेबसाइट विजिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी वेबसाइट का प्रॉब्लम है, तो बाद में आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप पूरा डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ ही साथ आप डेली बेसिस GK GI का नॉलेज और नया नया फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ आपको सीखने को देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।